हो ही नहीं सकता, पहली बात तो ये, वो भगवान को याद नहीं करेगा। भगवान को याद करने के लिए नहीं कहा गया, आप लोग बहुत गलत करते हो, तो सोचते ना भगवान को याद करने से वैकुंठ मिल जाएगा, नहीं। यम यम वापी स्मरण भावम, भाव भाव, याद नहीं कहा गया, क्या कहा गया, भाव। भाव तो माता पिता के प्रति है, याद कर रहे हैं भगवान को, भगवान को भगवान को इंटरेस्ट ही नहीं, भाव की बात है। याद करना कुछ नहीं होने वाला, मायावादी नाम ले भगवान का तो क्या मिलने वाला उसको, है जीवन भर द्रोही रहा है, क्या रहा है, द्रोही, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, क्या हो, कुछ नहीं होगा, भाव पैदा करना पड़ेगा। स्मरण भावम तजंते अंत कलेवरम, जैसा भाव होगा, प्रभुपाद जी ने कहा है, भाव आपका भाव किसका है, कुत्ते का भाव है, बड़चिड़िए का भाव है, किसका भाव है, भाव क्या है आपका, आप कृष्ण भावना भावित हैं क्या, समझ में आ गया, क्या आप कृष्ण भावना भावित हैं, तब तो कृष्ण लोग जाएंगे, अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है नहीं कहीं सड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो याद करने की बात नहीं करी, स्पष्ट रूप में भावम तो कृष्ण भावना, कृष्ण भावना होना चाहिए, उसे याद ही नहीं आना चाहिए माता पिता, कोई भी कुछ भी चीज याद नहीं आनी चाहिए भगवान से, हम तो कहते हैं जीवित ही नहीं याद आती, जीवित अवस्था में याद नहीं आ रहा कोई भगवान के सिवा। मुझे बताया था घर वाले जब कह लेंगे तो पागल हो गया कृष्ण के लिए, समझ लो उस दिन आपको कुछ सांत्वना मिलनी चाहिए, हाँ यार अब मैं भक्त बन रहा हूं, जब तक समाज ये सोचे, जब तक समाज ये नहीं सोचे, है ना जी। पूजा का मतलब क्या है समझो, हम थोड़ी प्रभुपाद जी को सामने बिठा के दिन रात उनकी आरती उतार रहते हैं, मूर्ख लोग हो तुम। पूजा का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट का मतलब आगे का पालन, तो शिव जी की आज्ञा क्या है, कृष्ण भक्ति करो, तब उनकी पूजा होती है, तब उनका रिस्पेक्ट होता है। पूजा का मतलब क्या होता है, तो हम शिव जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम शिव जी की भी उपासना करते हैं अपने गुरु के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा, किसके द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा, ये ध्यान रखिए, प्रभुपाद जी के द्वारा समस्त की समस्त देव भक्तों की, वैसे तो बहुत सारे भक्त हैं, जो हम सिर्फ अपने गुरुदेव के थ्रू सबकी सबकी उपासना करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करने से क्या होता है, सबकी आज्ञा का पालन हुआ, सबका पूजा हुआ, सिर्फ जब हम प्रभुपाद जी की सुबह गुरु पूजा करते हैं तो उसका मतलब हमने सबकी सबकी पूजा हो, आरती जिसको आप क्या कहते हो, पूजा का अर्थ है रिस्पेक्ट करना, एक्चुअली वो अर्चना कहलाती है, क्या कहलाती है, इसकी ये बात करते हैं ना, अर्चना, अर्चना, अर्चना इंक्लूडेड है पूजा के अंदर, इसके अंदर आप अर्चना तो करो परंतु तो बात तुम उनकी बात मानो नहीं, ये थोड़ी माना जाएगा। कृपया ये बताएं कि आजकल इतना दुराचार, बलात्कार, हत्या और व्याभिचार चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, तो फिर भगवान अवतार क्यों नहीं ले लेते, क्या वे तब अवतार ले लिया, अवतार मर भी रहे ना ये लोग, जिंदा रहने से मरता नहीं, सब मर रहे, सब मार रहे भगवान, अभी कोरोना वायरस क्या है, लिद धनाधन मार रहे हैं, क्या प्रॉब्लम, इसमें कोई टेंशन है प्रभु जी, भगवान कहते हैं काल के रूप में मार रहा हूं मैं, ये तो भीष्म, ये तो कोई रावण, ये तो कंस जैसे भी नहीं है, किसी को मारने के लिए भगवान को आना पड़े, जरूरत ही नहीं है भगवान को। और दूसरी बात यह है कि ये जो आप कह रहे हो इसलिए बन रहा है क्योंकि आप लोगों सबने तो इस समाज में ये उड़ा रखा है, एक जन्म में मजा कर लो, तो उसमें क्या है, तो उसके हिसाब से तो सब सही है, नहीं है सही, भगवान मार ही रहे हैं, नहीं मार रहे, अरे गर्भ में मरवा देते हैं आपको, क्या बात करोगे तो जीने की, माए मार दे रही है बच्चों को, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, अगर जिंदा होके बाहर आ गए बहुत लकी समझो अपने आप, हाँ किस्मत अच्छी है, आज पैदा ही नहीं होने देते, तो शास्त्र कहते हैं बिल्कुल गलत है,